हेलो गाइस, दिस इज नेहा शर्मा एंड आज हम लोग बात करेंगे नीट के बारे में। नीट के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नीट का सिलेबस क्या है। नीट में 11th और 12th कंप्लीट आती है और हम लोगों को पूरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बुक पढ़ रखी है उससे काम चल जाएगा, नहीं। सिंस नीट में एमसीक्यूज आते हैं, टाइम लिमिट होती है, तो हमें टाइम बाउंडेड फैशन में रोज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू। हम जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे, जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, उससे हमारा एक तो माइंड ब्रॉड होगा, ओपन अप होगा, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो सब पता चलेगा। सो मैं आपको पहले एक स्प्लिटअप दे देती हूँ कितने चैप्टर्स किस में है उसका। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले टोटल चैप्टर्स की बात करेंगे तो नीट में 98 चैप्टर्स टोटल आते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है, ये देखिए, नीट में 98 टोटल 98 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें 11 के 51 11th क्लास से टोटल 51 चैप्टर्स आते हैं और हम 12th की बात करेंगे तो 12th से 47 चैप्टर्स आते हैं। अब यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि 11th में चैप्टर्स ज्यादा है मतलब वेटेज ज्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों के वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं, 1-2% का डिफरेंस आता है, दैट्स इट। अब उसके बाद थोड़ा और डिटेल में डेप्थ में जाएं तो अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में 30 चैप्टर्स है टोटल 11th और 12th मिला के, और 11th से भी 15 चैप्टर्स हैं, 12th से भी 15 चैप्टर्स हैं। अब गाइस यहाँ देखो, यहाँ चैप्टर्स भले ही इक्वल है लेकिन आपको हर एक चैप्टर की इनबिल्ट नॉलेज होनी चाहिए टू टैकल क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं नीट में, जिसमें 2-3 चैप्टर्स को मिला के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स है। केमिस्ट्री में 11 से आते हैं 14 चैप्टर्स एंड 12 से आते हैं 16 चैप्टर्स। बायो की बात करेंगे जो कि 50% वेटेज रखती है नीट में, तो बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं टोटल, 22 11 से हैं एंड 16 चैप्टर्स जो है वो 12 से है। अब देखो फिजिक्स में मैं इन सब की इनबिल्ट आपको कैसे क्या पढ़ना है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अपनी अपकमिंग वीडियोस में मैं यही सब डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको किस टाइप की बुक्स लगानी चाहिए, मैंने क्या बुक्स लगाई थी, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सॉल्व कर डालो। नीट का जो लेवल है ना, आपको ना तो उससे ऊपर जाना है ना तो उससे नीचे जाना है, उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नीट आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप एक भारी भरकम बुक सॉल्व करो और फिर क्वेश्चंस लगाओ, नहीं। नीट आपसे ये डिमांड करता है कि आपको बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, टाइम बाउंडेड फैशन में आपको करना है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, नीट आपसे ये चाहता है। अब अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, केमिस्ट्री की जब बात करेंगे तो आपको पता ही है केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तीनों की इक्वल इक्वल वेटेज है, 10-10-10 ईच, हर एक में 10-10-10 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी 10 चैप्टर्स हर एक में है, ठीक है। तो ये सब तो हमने स्प्लिटअप की बात कर ली, अब इनके वही बुक्स कौन सी लेनी है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस रोज लगाने, इन सब के बारे में मैं पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। गाइस एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, नीट इज नॉट अबाउट कि आप कितना पढ़ रहे हो, पढ़ता हर कोई है, पूरा सिलेबस 70% बच्चे होते हैं जो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़कर जाते हैं, लेकिन उन 70% का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि होता क्या है, नीट आपसे चाहता है कि आपको हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता हो। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कम नॉलेज होने से नहीं चलेगा, कम नॉलेज होगी तो घाटे का सौदा हो जाएगा, नेगेटिव ले जाओगे। तो देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, अब ये हमने ऐसे पढ़ते जा रहे हैं ना, तो
तो ऐसा नहीं है ये लाइन हमारी बिल्डअप रहेगी, हम यू यहां से यू आगे बढ़ रहे हैं, ये यू यू यू, ये देखो ये हाल हो जाता है। यू यू कैन सी, ये सब ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब क्या है इसका, हम आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का ये देखो भूलते जाते हैं, हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है। तो अब इसका तो कुछ फायदा है नहीं कि हम आगे से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हमारी गाड़ी तो आगे बढ़ती जा रही है लेकिन वो जो रास्ता जो हमने कवर किया है वो कम होता जा रहा है। नहीं, ऐसा हमें नहीं कर रहे, हमें स्मार्ट स्टडी के साथ साथ थोड़ा हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा। हार्डवर्क आपका कितना भी होना वो वेस्ट नहीं जाएगा, ये याद रखना। तो अब करना क्या है, हम लोग ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि आप लोग पूरे छह दिन डेडिकेटेड स्टडी करो, फिर सेवेंथ डे कोई भी डे हो, मैं ये नहीं बोल रही संडे, क्या होता है कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उनमें कोई और डे होगा जब उनका वीक ऑफ होता है, उस दिन उनकी क्लास नहीं होती, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो आपके आपके ऊपर है कि आप कौन सा डे डिसाइड कर रहे हो। तो ऐसा डिसाइड करो कि छह दिन तो तुमने पढ़ लिया, सातवें दिन तुम्हें उस पूरे को रिवाइज करना है, ठीक है। मान लो तुमने आधा ही चैप्टर पढ़ा है तो सातवें दिन तुम्हें उस आधे चैप्टर को रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना, एक दिन तुम्हें ऐसा निकालना है। मैं तो तुम्हें ये कहूंगी कि तुम नया मत पढ़ो भले, लेकिन जितना पढ़ा है ना उसको याद रखो, जितना पढ़ा है ना उसको रिवाइज करते रहो, बस ये चाहता है नीट। बच्चे यही करते हैं, ये इनकी गाड़ी देखो यूं आगे बढ़ती जाती है लेकिन ये पीछे का भी तो यूं 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 इरेज होता जाता है। फिर फाइनल टाइम में जब हमारा नीट आता है, जब हमारा नीट आता है तो सिचुएशन ये हो जाती है कि पीछे का कुछ भी याद नहीं है। ये आपका ट्वेल्थ तो ठीक है, अच्छे से थोड़ा बहुत याद रहता है क्योंकि इसमें भी रिविजन चाहिए, लेकिन पीछे का, ये पीछे क्या है, इलेवेंथ आपको याद ही नहीं है। इसीलिए बच्चों की इलेवेंथ वीक होती है। क्यों वीक होती है, क्योंकि वो एक तो इलेवेंथ में हम लोग टेंथ से आए होते हैं, इतना सब चेंजमेंट आ जाता है कि ढंग से आप पढ़ते नहीं है। तो इलेवेंथ अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको ट्वेल्थ में कवर अप करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ट्वेल्थ में बोर्ड्स होते हैं। हाँ, ऐसा है कि बोर्ड्स में ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है कि बहुत बड़ा सा कुछ आ जाएगा, नहीं, जो आपने पढ़ा वही आएगा, लेकिन फिर भी बोर्ड एक नाम का फोबिया होता है तो उसकी वजह से भी हम थोड़ी हमारी जो एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, इतना पढ़ लिया, फिर उसके बाद वापस से ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, इतना बार पढ़ लिया, फिर आगे पढ़े ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, यहां तक पहुंच गए, फिर वापस से शुरू करेंगे, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। ये जो हमारी नॉलेज की लाइन है ना, ये जो हमारी नॉलेज की लाइन है, इसको हम थिक बनाएंगे, थिन नहीं करेंगे, थिन भी नहीं है, देखो ऊपर तो डॉटेड डॉटेड रह जाएगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। सो गाइज, दिस इज फॉर टुडे। कल मैं फिर से एक न्यू वीडियो लाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे इन डिटेल कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऐसा भी नहीं करना है कि हमने बहुत हाई लेवल का पढ़ लिया और जो नीट में आने वाला है वही हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो गाइज, स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को प्रेस कर लो सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज, एंड पसंद आए तो लाइक भी कर देना यार। थैंक यू।